गंज के देवापुर बरौली में रिंग बांध के टूटने से गोरियाकोटी ब्लॉक और लकड़ी नबीगंज के ब्लॉक में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन भयाव होती जा रही है। यहाँ पे शासन और प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिल पा रहा है और न ही सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है कि जो कि यहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल बांध न चुका है और इतना इलाके बर्बाद पानी में ध्वस्त न हो पाए। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि कैसे यहाँ पे बाढ़ का पानी बह रहा है वो दिखाएं। बना लेते हैं, आगे चलो बना लेते। देखिए घर पूरा जलमग्न होने जा रहा है। देखिए इन सब घरों बाहर का पानी अपने ओएस में ले चुका है। आइए हम एक बार फिर से मिलते हैं और पूछते हैं यहाँ पे कोई प्रशासन के द्वारा इनसे कोई मदद मिली है कि नहीं मिली है, इनसे जानेंगे। बोलिए, मिलते नहीं थे। क्या नहीं मिला है? कोई मदद प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है? बाहर के पानी आया तो आप लोगों को कोई मदद नहीं मिली आज तक? बहुत भयावह स्थिति होती जा रही है यहाँ की। कोई शासन प्रशासन या कोई राजनीतिक दल की तरफ से यहाँ पे कोई मदद नहीं मिल रहा है इन लोगों को। यहाँ कुछ बस्ती बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं क्योंकि सड़क से पानी जो है बह रहा है और बहुत बुरा हाल है। ये जो है कि जो गंडक का पानी जो है कि इसका रिंग बांध टूट जाने के कारण जो है कि ये बहुत बुरा हाल हुआ है। यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या आप लोग का क्या कहना है इस मुद्दे पर। बोलिए। हाँ सर, हम मोटरसाइकिल से निकाले हैं, दहाड़ से बहुत हम लोग डूब गए थे, अब बहुत हालकानी से निकाले हैं सर। कितने बजे के करीब में ये पूरा पानी आया है इस गांव में? 1 बजे करीब में आया है। रात में? रात में 1 बजे करीब में। सब आदमी सोया था, सोए में ये पानी आया है। अब आदमी कुछ आदमी तो तैरने लगा, तब जाके कैसे कैसे सब आदमी रात को ही समय में निकला है अंदर से। बहुत बुरा स्थिति है यहाँ का जो है कि हम लोग देख सकते हैं कि सड़क के किनारे जो है कि छावनी बनाए हुए हैं, लोग मजबूर हैं कि सड़क किनारे रहने को और जो अपने घर से जो है कि सामान उमान निकाल कर किसी भी तरह से जो है कि इस स्थिति में आए हुए हैं। ये
ये रास्ता महादलित दुधड़ा से होकर के आता है, जो दुधड़ा पंचायत में पड़ता है और दुधड़ा बाजार को जाता है। यहाँ जो है कि स्थानीय ग्रामीण जो है कि इस रास्ते के लिए यहाँ पर हमेशा जो है कि आने जाने में घुटने तक पानी रहता है, जिसके कारण जो है कि यहाँ पर बन रहे है 1010 फीट जो है कि रास्ते को जो है कि 200 मीटर तक ला करके छोड़ दिया गया है। बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ के समर्थन में, यहाँ के रुकावट के समर्थन में जो है कि लोग ग्रामीण खड़े हुए हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी बात करूँगा, जो कि आप बताइए आपका क्या नाम है? अजीबुर रहमान। जैसे कि आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं इस सड़क के लिए, जो 200 मीटर तक बंद हो गया है, कुछ इसके बारे में बताइए। बात तो सही है, इससे हर इंसान को आने जाने में दिक्कत हो रही है ना। कोई भी इंसान है तो उसको चलने के लिए सुविधा चाहिए। जी जी, तो ये बात सही है कि यहाँ रोक दिया गया है? हाँ, रुका हुआ है। कुछ बात कर सकते हैं? आपका नाम क्या पड़ेगा? अनवर। कुछ बताइए क्या आखिर सच्चाई क्या है, इसका क्या है? जैसे कि यहाँ से जनप्रतिनिधि से बात भी हुआ है, जो सबके समर्थन में। रास्ता तो सब दिन भाई जी, रास्ता ये सब दिन बाद ये केहू रोक है। जी जी, हाँ ये सब दिन के रास्ता। एक महान काम कर दे, लेकिन हमने तो वहाँ तक मोड़ तो ला दिए, उसके बाद यहाँ से अवरुद्ध हो गया। किस कारण? किस कारण ये? किस कारण? जिसका वो कहते हैं कि हमारा जमीन है, तो राघो जी कहते हैं कि हमारा जमीन है, ईश्वर नहीं बनेगा। आपका क्या? सीओ साहब कहते हैं कि हमारा जमीन है, तो सीओ साहब कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, तो हम मार नहीं न करेंगे? पूरा जनता के सामने बोल रहे हैं, हमको विकास करना है, हमको मार नहीं न करना है। जनता इसमें तैयार है, सुनिए। जनता, सीओ साहब कहते हैं हमारा है, राघो जी कहते हैं हमारा है, हम क्या करें बीच में? हम आम जनता के पास साथ में है, खड़े हैं। हम तो बहुत प्रयास किए, लेकिन आज जो है कि जनता आपसे पूछ रही है, यहाँ से महादलित रास्ते आने वाला जो बाजार जाने वाला जो है कि दुधड़ा बाजार पर, तो आज जनता पूछ रही है, तो जिसके कारण आप जो है साथ में खड़े हुए हैं। हम खड़े हुए हैं, तो हर संभव खड़े होंगे जी। तो अभी भी प्रयास में है, सीओ साहब आए, अपना बातचीत करके अपना इसको रूट बना दिया जाए। रोड से कोई थोड़ा परेशानी है, उनको वो कहते हैं हमारा, सीओ साहब कहते हैं हमारा, तो हम क्या करेंगे? हम मार करेंगे? और हम चलते हैं, अभी एक यहाँ के समिति पति भी हैं, उन्होंने भी ये आवाज उठाई है आपसे। आपका क्या राय है ग्रामीण? हमारा राय है जो भाई बहन हो, यहाँ का लोग ना जनता का ना पांच वर्ष दूरियों के लोग जनता का भोजन होगा हमने राय हो, गांव भर के लोग और बहने का चाहिए, ये तो बात राय है। यहाँ के समर्थन में देखिए जो है कि यहाँ के समर्थन में पूरा पब्लिक जो है कि खड़े हुए हैं, चलो तो दिखाइए, जो कि खड़े हुए हैं। और यहाँ का समर्थन जो कि मान के चलिए कि जब बारिश आ जाती है तो कम से कम घुटने भर जो है कि पानी यहाँ लग जाता है, आने जाने में काफी परेशानियां होती हैं, लोग गिर जाते हैं, बाइक से आते हैं, साइकिल से आते हैं, यहाँ के जो भी लोग आते जाते रहते हैं मार्केट करने के लिए, बहुत मुश्किल से मार्केट आते हैं। और भी यहाँ के स्थानीय ग्रामीण से हम बात करेंगे, जैसे कि आपका क्या नाम पड़ेगा? आपका क्या नाम पड़ेगा? जोर से बोलिए। तो आपका क्या कहना है? हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। तो आखिर मतलब कि आप कुछ देखे हैं इस यहाँ के कैसे बन रहा था, कैसे रुक गया? पहले तो युद्धकरण था यहाँ जी, पहले से युद्धकरण था। कितने साल से? लगभग 10-15 साल के। जी जी, पहले से बना हुआ था। तो जैसे कि यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, समिति है, वार्ड है, या लोग हैं जो कह रहे हैं, क्या सच है? सच है जी। तो यहाँ जो है कि गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़ सिवान, मोबाइल नंबर 9934019286। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान, स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान, बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, सुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीवी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5-10% की छूट पाए। फ्री होम डिलीवरी सुविधा।
संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।